कथा सुन ली, जल्दी आ गई आप, जल्दी आप घर पर जाना है। पैदल आई थी आप? हाँ, नहीं उधर इधर से आपे से। अच्छा, आपे से कितनी दूर पैदल चलना पड़ता? हमारा मानना है इस संसार में सबसे बड़ा त्यागी वही है। तो आज आधी कथा सुनी आपने, तो फिर लेट हो जाएंगे घर तक जाने। कैसी लगी कथा? बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छी लगती है उनकी कथा सुनना, हम घर पे भी सुनते हैं उनकी कथा। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया बहेरिया में, और बहेरिया से हम कथा स्थल आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कथा बहुत देर पहले शुरू हो चुकी है, लोगों की आवाजाही बहुत पहले हो चुकी है। पंडाल आप देख रहे हैं, यहाँ से कथा जो है बागेश्वर धाम सरकार जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी कथा हो रही है। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साई खेड़ा लिधौरा हाट फोर लाइन चौराहा नर्सिंग कॉलेज के बाजू में सागर। तो कथा के बाद श्रद्धालु धीरे धीरे जो है कथा सुनकर जो है वापिस भी लौट रहे हैं, और ये आज पहला दिन है सागर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का। तो जाहिर तौर पर कई जगह से लोग जो है कल या आने वाले दिन से शुरू होंगे, लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ कथा स्थल है, और कथा स्थल में जो है लगातार यहाँ से जो वीआईपी गेट है यहाँ से लोगों की आवाजाही शुरू होगी। और हम जो है ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये जो आप जो लाइटिंग देख रहे हैं, यहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का निवास है, यहाँ रुकेंगे वो। और ये हम पूरे कथा स्थल से आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज चूंकि पहला दिन था तो उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों से बातचीत करते ज़रूर चलेंगे कि कथा स्थल तक जो है लोग पहुँच रहे हैं। आज पहला दिन है, आज पहला दिन है कथा का, पहला दिन जी। कितनी तक तकरीबन भीड़ जुटी है आज? दो ढाई तीन लाख की भीड़ जुटी जी। तो ये तो मेन गेट हूँ, हाँ चारों तरफ से खुला हुआ है गेट, उस तरफ से भी। अच्छा, चारों गेट, चार बाहर से भी लोग आए, बहुत बाहर से आए हैं, जनता बहुत बनने रही थी, अभी तो लोग कम हो गए, और 5 बजे से शुरू हो गया है। कौन विभाग? हम श्रम विभाग से जी, श्रम विभाग से। श्रम विभाग से आप यहाँ ड्यूटी में? नहीं, ड्यूटी नहीं, हम तो ऑफिस के कथा सुनने आए। कैसा लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। आप लोग कथा सुन के आ रहे? कथा सुन ली? कथा आपने सुन ली? सुन ली। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। हो जाओ, हम लोग लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो कथा स्थल है, एक श्रम विभाग के जो है उनका ये दावा है कि तकरीबन 2.5 से 3 लाख यहाँ पब्लिक आई है। और हम आपको बता रहे हैं कि ठीक यहाँ जो है वो कथा स्थल बना है, और कथा स्थल को चारों तरफ बाउंडेज कर दिया गया। और आप ये आवाज सुन रहे हो शायद, ये आवाज जो है घर में भाई खटपट। चलो गुरु, आप लोग कथा स्थल गई थी, कथा सुन ली, जल्दी आ गई आप, जल्दी आप घर पर जाना है। पैदल आई थी आप? हाँ, नहीं उधर इधर से आपे से। अच्छा, आपे से कितनी दूर पैदल चलना पड़ता? हमारा मानना है इस संसार में सबसे बड़ा त्यागी वही है। कैसी लगी कथा? बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छी लगती है उनकी कथा सुनना, हम घर पे भी सुनते हैं उनकी कथा। तो ये लगातार वाहनों की आवाजाही, फिलहाल हम पहला दिन है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का। हम हर रोज आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन इसके पहले हम ये बता देंगे, अभी हमने आपको गेट बताए थे, और बाहर चल के बताते हैं कि ये बहेरिया जो है चौराहे से थोड़ी पहले कथा स्थल है। कथा स्थल कुछ गुड़िया लोग, आप कथा सुनने आई थी? नहीं करनी बात। तकरीबन कितनी भीड़ होगी? करीब 5-1 हज़ार लोग होंगे। 5-1 हज़ार, एक जन कह रहे थे 1-2 लाख भीड़ है। नहीं, पहला दिन है, अभी पहला दिन है, लेकिन काफी पहला वाला पंडाल है, पूरा भरा हुआ है।
और खूब अच्छे फैन एन भी लगे, मतलब अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी एक नंबर की। भीषण गर्मी पड़ती है तो उसकी तमाम व्यवस्था है? हाँ, पूरी व्यवस्था है। मतलब पहले मुझे ऐसा नहीं लगा कि मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था होगी, लेकिन जब वहाँ जाके देखा तो फैन एन और उसकी जो हाइट है ना बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा लगा कि मतलब बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और पार्किंग वार्किंग के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, सारी व्यवस्थाएं मतलब एक नंबर की जगह बहुत। हाँ, बहुत अच्छी। आप लोग आए हो कथा सुनने? हाँ, सभी लोग। हाँ जी। कितनी भीड़ होगी तकरीबन? भीड़ अभी तो आज पहला दिन है तो कम है, और कल से मगर बहुत ज्यादा आज रात्रि में हो जाएगी। लोग आने लगे जी, बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं आज बाहर से जी। भगवान तो सन, आप भी? हाँ हाँ, सुना है कथा? हाँ सुना है। यहीं से 10 किलोमीटर है कर्रापुर केरवना, वहाँ बेर केरी है वहाँ के। तो फिलहाल आज भीड़ थोड़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि आज पहला दिन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा में कल जोरदार भीड़ होने की जो है संभावना है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि गेट नंबर जो VIP गेट है, बहेरिया से ठीक पहले चौराहे से ये गेट बनाया गया है। तो हम लगातार आपको हर रूट वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से पुलिस ने रूट बंद किए हैं और कहाँ से ये रूट खुला है। फिलहाल ये रूट जो है 2-व्हीलर वाहन के लिए तो खुला है, लेकिन 4-व्हीलर वाहन और VIP जो लोग हैं उनकी यहाँ से एंट्री होगी। फिलहाल हम ये आपको कथा स्थल से जो है सारी चीज़ें दिखा रहे थे। 54 व्यवस्था, ये पहला गेट है और इसी गेट से कथा स्थल की तरफ जाएंगे। हालांकि इससे ठीक उस तरफ और भी 2 गेट बनाए गए हैं, चारों तरफ से गेट बनाए गए ताकि कहीं से भी अगर पब्लिक आती है तो वो इंटर जरूर कर सकती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा शुरू हो चुकी है, 7 दिन यहाँ बहुत आवाजाही रहेगी। सागर से जबलपुर और छतरपुर की तरफ जाने वाले सभी रास्ते 4-व्हीलर वाहन के लिए बंद कर दिए गए हैं। हालांकि बटालियन जो रूट है वहाँ खोल दिया गया है, लेकिन अगर आप सागर की तरफ आ रहे हैं और जबलपुर और आपको छतरपुर जाना है तो आपको हम रूट बता दें कि मकरोनिया चौराहे से बटालियन की तरफ जो रास्ता जाता है वो नेशनल हाईवे को छुएगा, वहीं से आपको जाना पड़ेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। जितेंद्र श्रीवास के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ AC लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।